Yeah, good afternoon, everyone. Good Okay. afternoon, sir. I hope you have already entered your name in chat box. Okay, this is required for your attendance. Anyway, so we should move forward. The advanced portion of your screen. And hi, I'm sharing the screen with you. And admit all. Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखा था? इन प्री लास्ट वीक जो हम लोग देख रहे हैं वो कुछ देखा कि वेरिएबल्स को कैसे डील करते हैं, वेरिएबल का नेमिंग कैसा होता है, और किसी ने कहा था कि सर कैरेक्टर को प्रिंट करके दिखाओ, कैरेक्टर कैसे प्रिंट करेंगे, तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू प्रिंट अ कैरेक्टर, जस्ट जस्ट एज सिमिलर एज प्रिंटिंग एन इंटीजर और स्कैनिंग एन इंटीजर और ए रियल नंबर व्हाटसोएवर वी आर विद. ये वाला भी प्रॉब्लम लोग देख लिया, तो थोड़ा सा आज हमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखना है. बाइनरी कर रहे थे, हाँ बाइनरी भी कर रहे थे हम लोग. सो बाइनरी नंबर्स के बारे में हमने देखा था और बिट बाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, ये सब हम लोग देख चुके थे. ठीक है, तो आप वो सर आपकी आवाज कट रही है शायद थोड़ी थोड़ी. अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं. टेक्नोलॉजी इज नॉट आवर फ्रेंड. एनीवे, सो ये वाले लेक्चर में हम लोग देखो, ये जावा पॉइंट का लेक्चर है ना, इसको आप लोग फॉलो करो, ये अच्छा है. मतलब यहाँ पे आपको ओवरऑल सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा. क्लियर? तो इसमें हम लोग ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने प्रिंट एफ स्कैन वाला पोर्शन देख लिया था कि दो टाइप होता है, दो चीज होता है प्रिंट स्कैन. मैं बाइनरी वाले के बाद आ रहा हूँ, अभी कुछ चीजें आज जरूरी है जिसके लिए हमें बाइनरी समझना था, जितना वो हम समझ चुके हैं. अब हम फिर से जब जरूरत होगा बाइनरी का देन वी विल रीड इट अगेन. तो स्कैन कैसे काम करता है ये हम लिख ली देख देख लिया था. प्रोग्राम टू प्रिंट किसी नंबर का क्यूब कैसे प्रिंट करेंगे, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी. स्क्वायर का हम लोग देख करके देखा था, दो नंबर को सम करना हम लोग देखा था, ये सब हम लोग देख चुके हैं. देखो ना यहाँ पे क्या किया, एक्स स्कैन किया, वाई स्कैन किया, एक्स वाई को एड किया और जो भी रिजल्ट है उसको प्रिंट किया. तो यहाँ रिजल्ट एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया हुआ है ना. तो यही बात मैंने बताया था कि वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज द आउटपुट. अभी मैं आगे जाता हूँ, इसमें आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल. ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी लोकेशन का नेम होता है. या फिर आप जनरल सेंस में समझो कि आपका जो नेम है, योर नेम इज ए वेरिएबल फॉर वर्ल्ड. नेम एक नेम जो कीवर्ड है, एन ए एम ई, नेम, नेम इज ए वेरिएबल. और इस वेरिएबल के अंदर क्या है, राकेश, सुरेश, व्हाट्सएवर, जो भी नाम होगा, वो नाम क्या है, वैल्यूज है. तो वो क्या इंडिकेट करता है, आपको इंडिकेट करता है, किसी पर्सन को इंडिकेट करता है. एक बड़ी बड़ा सा अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में हाउस नंबर्स होता है, तो हाउस नंबर क्या इंडिकेट करता है, किसी ने किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के किसी ने किसी फ्लैट नंबर फ्लैट को डिनोट करता है. तो ऐसा ही हमारे कंप्यूटर मेमोरी में भी क्या है, बहुत सारा अपार्टमेंट फ्लैट बना हुआ है और उस फ्लैट में कोई ना कोई जाके रहता है, कभी इंटीजर जाके रहता है, कभी कैरेक्टर जाके रहता है, तो कभी फ्लोट जाके रहता है. और बड़ी बात क्या है, कौन कौन रहता है, तो देखो इंटीजर रहता है, कैरेक्टर रहता है, फ्लोट रहता है, डबल रहता है. तो ये बेसिक डेटा टाइप है, ये जो हम लोग अभी पढ़ा.
आगे जाएंगे तो और देखेंगे कि और भी बहुत सारा चीज होगा, एरे होगा, पॉइंटर होगा, स्ट्रक्चर होगा, एनम होगा, वॉइड होगा, हम लोग अभी इसी के बारे में ध्यान देंगे, इंट, फ्लोट, कैट। तो तीन टाइप का पर्सन है, तीनों अब जब हम लोग लिखते हैं इंट एक्स, तो एक्स नाम का एक इंटीजर जो है वो वहां पे कहीं भी मेमोरी में जाके कंप्यूटर के मेमोरी में रहता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों हम इंट लिखते हैं, कैट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं? एक तो ये रीजन है कि हमको इससे ये पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू कौन सा उसमें डाल रहे हैं। लेकिन वो भी क्यों करते हैं ये जानना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैक्टर ये है कि कैरेक्टर को कितना चाहिए, कैरेक्टर को चाहिए एक रूम, यानी एक बाइट। अगर मैं बाइट को एक रूम बोलूं, एक जो जनरल अपार्टमेंट का सिनारियो था, लेकिन अगर इंटीजर को चाहिए दो कमरा चाहिए, अगर एक कमरा एक बाइट है तो। और जो हमारा फ्लोट है ना, फ्लोट को चार रूम चाहिए रहने के लिए, यानी अगर कोई रियल नंबर हम सेव कर रहे हैं तो उसको कंप्यूटर में चार बाइट का रिक्वायरमेंट होता है उसको सेव करने के लिए। एक इंटीजर को दो बाइट का जरूरत होता है और एक कैरेक्टर को एक बाइट का रिक्वायरमेंट होता है ना। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों होता है ये भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे, डबल क्या होता है, डबल आगे देखेंगे। मैंने भी बताया ना प्रवेश, अभी हम लोग इंट, फ्लोट और कैर के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे देखेंगे, ठीक है। डबल जो है वो बड़ा रियल नंबर को सेव करने के लिए, डायरेक्ट आंसर आपके लिए ये है। सर क्या पूछ रहे हैं कि सर वेरी वेरी वॉइस कट हो रही है, अरिहंत शायद आपका नेटवर्क ट्रबल होगा इसलिए हो रहा है ऐसा। नहीं सर, नहीं सर, आपके साइड से प्रॉब्लम है, है इधर से प्रॉब्लम है, ज्यादा कट हो रही है। अच्छा सबका कट हो रहा क्या, थोड़ी थोड़ी। यस सर। ओके यस सर, यस सर। ओके देन वेट। हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, आज बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ। एनीवे पकौड़े वकौड़े लेके आऊं सर आपके लिए? क्या हुआ? एनीवे अभी क्लियर है, आवाज आ रही है ना? चलो लेट्स सी। यस सर, आ रही है। हाँ चलो ठीक है, लेट्स सी। तो हाँ मैं कहा था, तो कैरेक्टर को एक बाइट का स्पेस चाहिए, इंटीजर को दो बाइट का। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज ये करूंगा कि ये जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ना, ये टेबल में देख रहे हैं ना, बहुत सारा अलग अलग है, हमें सबको नहीं देखना, हमें बस तीन ही देखना है अभी, कैरेक्टर, इंटीजर, इंट और फ्लोट को देखना, हमें फ्लोट को देखना, यही तीनों हमें देखना है। तो अभी नया जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर क्या करता है, उसमें इंटीजर का साइज भी चार बाइट ही हो गया है। यानी ये वाला जो हमारा जिस कंपाइलर को हम लोग यूज कर रहे हैं, ये भी ये चार आपके इंटीजर को चार बाइट ही लेता है। नए वाले में, पुराने वाले का ये स्पेसिफिकेशन है जो एक जनरल स्पेसिफिकेशन होता था। तो हम अभी से यह याद रखेंगे कि इंटीजर कंज्यूम्स 4 byte, फ्लोट कंज्यूम्स 4 byte एंड कैरेक्टर कंज्यूम 1 byte। और ये ऐसा क्यों होता है, ये आपका सीओ का अगर आप लोग पेपर पढ़ रहा है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पेपर में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे इंटीजर और कैरेक्टर और फ्लोट जो है वो काम करता है। बेसिकली वहां फ्लोट पे ज्यादा ध्यान दिया गया होगा, एक पूरा चैप्टर में पूरा टॉपिक ही होगा डीलिंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो आपके सिलेबस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ना? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है आपके सिलेबस में, अभी इस सेमेस्टर चल रहा होगा ना? एनीवन काइंडली रिस्पॉन्ड। No idea, this one CO is there, I think, in your syllabus. मैं, मुझे जहां तक पता है आपका भी या तो स्टार्ट होने वाला होगा
मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर वैसा नहीं होने से फिर हमें वी विल डिस्कस द सेम आई थिंक. सो क्या है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वाला पेपर आपके सिलेबस में है, और ये पेपर में यही आपका मेन बताएगा कि क्या कंप्यूटर का कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, नहीं करता है एंड ऑल. एनीवे सो वी वर लुकिंग फॉर समथिंग, क्योंकि आज हमें कुछ आगे जब प्रोग्राम लिखेंगे ना तो छोटा छोटा ये सब मॉड्यूल हमें जानना पड़ेगा, इसलिए मैं दिखा रहा आपको. अच्छा तीसरा चीज क्या है, कीवर्ड सिंसी. कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि सी में कुछ चीजें पहले से फिक्स की गई हैं, जैसे फ्लोट को आप float ही लिखोगे, इंटीजर को आप int ही लिखोगे, ठीक है, और कैर भी होगा कहीं पे, कैर को char ही लिखोगे, ठीक है. इसके बाद और एक चीज जो हम लोग पहले से जान चुके हैं, दैट मे बी यहाँ मेन लिखा हुआ होना चाहिए कहीं पे, डबल बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इज नॉट नॉट मेंशनिंग मेन, लेकिन मेन भी यहाँ होना पड़ेगा. तो मतलब ये कहना है कि इसका इस्तेमाल आप अपने काम के लिए नहीं कर सकते हो. व्हाट इट मींस, देखो अगर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, सपोज देयर आई एम क्रिएटिंग ए एम्प्टी फाइल एंड आई एम जस्ट सेविंग इट समवेयर इन योर फोल्डर. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, वीक टू चल रहा है, वीक टू का, ठीक है, वीक टू में प्रोग्राम .c हम लोग ले रहे हैं. तो इस प्रोग्राम में इफ आई एम राइटिंग, ऊपर का टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूं, ये बीच वाले टेक्स्ट को हटा दिया. हाँ सो अगर मैं लिखता हूं int x, ये परफेक्ट है, ओके है, ठीक है, लेकिन कभी भी मैं ऐसा नहीं लिख सकता int char. कोई भी कीवर्ड यहाँ पे जो भी रखा हुआ है इसका इस्तेमाल हम अपने पर्पस के लिए नहीं कर सकते. जैसे मैं किसी वेरिएबल का नाम एनम नहीं रख सकता, कोई भी वेरिएबल है जिसका नाम मैं एनम नहीं रख सकता, दिस इज नॉट राइट. तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स यूज किए गए हैं ना, ये जितना भी लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट में एक ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड है. रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब कि सी इसको अपने पर्पस के लिए रखा हुआ है, इसको हम अपने यूज के लिए नहीं ला सकते हैं, इसको जहां डेजिग्नेट किया गया है वहीं पे इसका इस्तेमाल करेंगे. देखो ये एक्स वाई जेड ये जो नाम रखते थे ये तो हम रखते थे, तो वेरिएबल क्रिएशन के लिए हम इस रिजर्व कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. यही बोल रहा कि जब जो भी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं वहां पे इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, उस नाम का वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते. आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि इस नाम का, इस किसी भी नाम का हम कोई फंक्शन नहीं बना सकते. So, ये बात हमें याद रखनी है, क्लियर. और आगे हमें देखना है ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स क्या है, जैसे हमारा जो कंपाइलर है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो जनरली क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, और तो कोई काम नहीं है कंप्यूटर का. कैलकुलेशन कैसे करना है ये प्रोग्रामर हम लोग करते हैं, इट्स आवर जॉब दैट हाउ टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ये हमें बताना है कंप्यूटर्स को. तो सी में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, ग्रेटर लेसर करना है, तो जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन है वो सब को बोला जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर. और जितना भी ऑपरेटर है जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, उसको बोलता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है. और बाकी टाइप का ऑपरेटर हाँ जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे जैसे हमारा टाइम आते जाएगा वैसे हम देखेंगे. तो ये देखो ये सारा ऑपरेटर है, इतना सारा ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में. ये देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, जब हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं तब यूज करते हैं ना, और मेन प्रोग्राम लिखते हैं तब भी यूज करते हैं. इस ब्रैकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस को हम लोग आगे देखेंगे. ये प्लस माइनस ये सब भी है, फिर मल्टीप्लीकेशन डिविजन और मॉड्यूलस ये भी आगे हम लोग यूज देखेंगे इसका. एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, शिफ्ट को अभी नहीं समझेंगे हम लोग,
रिलेशनल ऑपरेटर को छोड़ते हैं, इक्वालिटी है, ये वाला ऑपरेटर हम देख चुके हैं, इसको बिट वाइज एंड भी हम लोग बोलते हैं, ये लॉजिकल एंड है, ये सब का यूजेस हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये इक्वल टू वाला साइन है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। अब इस टेबल को जब कभी भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा, जैसे हम लोग बोर्डमास रूल यूज करते हैं ना, ब्रैकेट, उसके बाद जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर एडिशन करेंगे, तो ऑर्डर जो होता है किसी भी एक्सप्रेशन में मैथमेटिक्स में इवेल्युएट करने का। सर वॉइस कट कट के आ रही है जतिन, आई हैव नो क्लू व्हाई वॉइस इज ब्रेकिंग। Okay, I am trying to connect to some different network that I do have in my phone. Okay, then I hope network will be okay now. So, agar aisa hamare paas कोई एक्सप्रेशन होगा तो उस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले सी क्या करेगा या हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इवेल्युएट करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी होता है वो हायर होता है, और इसका जो रिजल्ट आएगा यानी 200 उसको फिर ऐड करेंगे 10 के साथ, यानी इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 210, है ना। तो ये काम कंप्यूटर में, हमारे पास तो बहुत ही मामूली 4-5 ऑपरेटर होते थे तो हम लोग इसको आसानी से कर लेते थे, कंप्यूटर के पास इतने ऑपरेटर होते हैं तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो याद रखो ये प्रायोरिटी टेबल है, प्रायोरिटी टेबल का मतलब है कि ऊपर में जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, और जितना जितना नीचे जा रहे हैं उतनी लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर हमें मिल रहा है, और हर ऑपरेटर के राइट साइड में एसोसिएटिविटी दिया हुआ है कि कैसे बिहेव करेगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि अगर इस एक्सप्रेशन में ये दिया होता 10 × 20 × 10, तो पहले कौन सा वाला मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहले लेफ्ट से मल्टीप्लीकेशन करना है। या फिर अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन देता हमारे पास, सपोज ऐसा है जेड इक्वल टू 10 × 20 / 5 or 6, तो क्या होगा, पहले ये डिवीजन होगा ना, पहले ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसके हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से जो हमारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला जो रो है ये बोलता है कि लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना है, यानी पहले ये परफॉर्म होगा 10 × 20 = 200, फिर ये डिवीजन होगा। और यही काम अगर उल्टा होता, यहाँ डिवाइड होता, यहाँ स्टार होता, तब भी वही बात थी, क्योंकि ये दोनों ही एक ही, दोनों मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉडुलस एक ही लाइन में फ्लो करता है। तो इसका अभी क्या करेंगे, पहले 10 को डिवाइड करेंगे 20 से, पहले ये होगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट को 5 से। तो ऐसा कहना है इस टेबल का। आगे अगर हमारे पास z इक्वल टू 10 × 20 − 10 / 5, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होने में हम क्या देख रहे हैं कि एक तो सेम हायरार्की का है, मतलब स्टार का यानी मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का प्रायोरिटी सेम है, इस दोनों की प्रायोरिटी सेम है, और मगर प्लस की प्रायोरिटी क्या है, इससे कम है, ठीक है, यानी इस टेबल में इससे नीचे है। तो ये अगर यहाँ पे प्लस है मान के चलो, तो पहले क्या होगा, पहले इस दोनों ऑपरेटर को होना पड़ेगा, फिर जाके ये वाला ऑपरेटर होगा। तो अब ये दोनों ऑपरेटर में पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए हमें ये बताता है कि लेफ्ट टू राइट होगा। तो पहले इस दोनों ही ऑपरेटर में स्टार कंप्यूट करेंगे, यानी आएगा ये 200, ठीक है, पहले 200 बन जाएगा, अब बच गया इतना। अब इस दोनों में हायर प्रेसिडेंस किसका है, डिवीजन का है, तो ये डिवाइड होके बन जाएगा अपना 2, अब जाके 2 + 2 = 202 बनेगा। So this is the process how we could proceed in this. ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई, इस बात को आप लोग यहां से पढ़िएगा।
कमेंट कैसे लगाना है ये मैंने आपको बताया हुआ है। कमेंट का मतलब क्या था, जैसे इस प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे इस टेक्स्ट को हाइड कर दिया था कंप्यूटर को कंपाइल करने से, यानी ये वाला जिस भी किसी लाइन के पीछे हम लोग डबल लाइन बैक स्लैश लगा देंगे ना, वो लाइन हाइड हो जाएगा। मीनवाइल देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज जनरली एक तो होता है कि हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताना है, ओके। सेकेंड इज somewhere in your program, suppose I don't want to check print something, so I will hide it, okay, I will make it comment, I will make it comment, I don't want to execute this line, I just want to run this one, और मैं इसको भी नहीं करना चाहता। तो कभी कभी अपने प्रोग्रामिंग में जब हम लोग डीबग करते हैं, डीबग करने का मतलब एक बार एरर आ गया तो ठीक करते हैं, तो ठीक करते समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पोर्शन को बंद कर करके चेक करते हैं कि अच्छा इसको बंद करके देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ बंद करके देखते हैं क्या हो रहा है, तो वैसे में हमारा प्रोग्राम इजीली डिबग हो जाता है। डिबग जब मैं बोलूं तो डिबग करने का बग मतलब इशू, डिबग मतलब इशू को खत्म करना। गेटिंग ओके। तो अच्छा मल्टी लाइन कमेंट कैसे होगा ये यहाँ बता रहा है। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना है, जैसे देखो अगर मुझे ये तीन लाइन को बंद करना था ना, तो सबके पीछे जाके मैंने डबल स्लैश लगाया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिकली मतलब कुछ कम काम में ब्लॉक हो जाए। अगर मान लो यहाँ पे तीन लाइन था, इसलिए अगर यहाँ पे 400 लाइन होते तो सिंपली क्या करना है, पहली लाइन जो है वहां पे उसके ऊपर इस लाइन के ठीक ऊपर या फिर इस लाइन के स्टार्टिंग में कहीं भी स्लैश स्टार लगाओ, और जहां पे खत्म करना है वहां पे स्टार स्लैश डाल दो रिवर्स ऑर्डर में, जैसे यहाँ स्लैश स्टार डाला था यहाँ स्टार स्लैश डाल दिया। अगर ऐसा कर दिया तो यहां से यहां तक ब्लॉक हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, अगर मैं यहीं तक ब्लॉक करना चाहता हूं तो मैं डालूंगा स्टार एंड स्लैश, तो क्या हो गया, यहां तक का कोड हाइड हो गया, इसको कंप्यूटर नहीं देख सकता। क्लियर, any question? If you have any question, no, kindly ask. अरे question है पर इसके regarding नहीं है, मतलब एक assignment आया Google Classroom में, उसका क्या submit करना है? Google Classroom का assignment में क्या trouble है? अभी class का कर लेते हैं, ठीक है? आपका जो issue हो ना, आप मुझे phone पे बता देना, ठीक है? Yes sir. हाँ. आप यू कैन कॉल मी एनी टाइम, और जो वर्किंग आवर है आप मुझे कॉल कर सकते हो ना टेनिस। अच्छा और क्या दिया हुआ है, देखो मैं जैसे जैसे इसमें दिया है ना वैसे वैसे ही बता रहा था कि आप इसको इसी टेक्स्ट को पहले रीड करो, इसको पढ़ो लाइन बाय लाइन पढ़ो तब समझ में आएगा। तो हमने इसमें सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों ही कमेंट को देख लिया, दोनों कमेंट कैसे डालते हैं, और यहाँ छोटा छोटा प्रोग्राम भी लिखा है, इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कीजिए और पहले प्रैक्टिस कीजिए इसको लिखने का। हाँ ये देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग देखते थे ना कि कब ये, कभी परसेंटेज डी देखते थे, फिर कभी परसेंटेज एफ देखते थे, और फिर वी हैव सीन परसेंटेज सी, है ना। तो कोई पूछता था कि सर वहाँ क्या यूज करेंगे यहाँ क्या यूज करेंगे, तो आप भी आगे मत पूछना जिसको प्रोग्रामिंग आ रहा है, जस्ट आई एम टेलिंग फॉर दोज हु नो नथिंग दैट टिल डेट वी हैव सीन ओनली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा। वन इज डेटा टाइप, one is integer, another is float, third is character. तो इस टेबल में जो आप देखोगे तो देखोगे कि percentage d it is used to print integer. अब signed integer लिखा है तो इसको भी भूल जाओ, आप बस ये रखो कि integer value, ठीक है। अच्छा जब f है तो क्या बोलता है, it is used to print the decimal floating point value, है ना, और by default it print 6 value after dot. तो 5 पॉइंट जो भी आगे पॉइंट के बाद होगा वो मैक्सिमम 6 डिजिट तक बाय डिफॉल्ट लेता है। अगर हमको 6 डिजिट से ज्यादा प्रिंट कराना है तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक। अच्छा सी के लिए क्या लिखा हुआ है कि इसका यूज क्या होता है, टू प्रिंट द अनसाइंड कैरेक्टर, मतलब अनसाइंड को भी भूल जाओ, बस ये समझो कि कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए होता है। अनसाइंड थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया जो हम लोग अभी कंफ्यूज कर देगा। तो ये टेबल भी आपको मिल गया, कभी भूल जाना है तो यहाँ इस टेबल में आके देख लेना है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो स्पेसिफाई करता है कि आपका डेटा किस टाइप का है, ठीक है। और ये तो फिक्स है, इसको हम लोग कोई चेंज वेंज नहीं कर सकते, ठीक।
तो वही बात यहाँ पे इसने प्रोग्राम में भी करके दिखाई है। हम लोग इसको एक लाइन में भी प्रिंट स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, और ये टाइप का प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैं भी बताऊंगा आप लोगों को अगर आज टाइम मिलेगा तो। ये एक डील करते हैं कि ऐसा कैसे लिखते हैं, कि एक लाइन में लिखने से क्या होता है, एक लाइन में नहीं लिखने से क्या होता है। ठीक, सो लेट अस सी। हम लोग अभी तक जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे उसमें हम लोग लिखने लिखा, सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जेड, और जेड के अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ 5। ठीक, सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट एफ मैं जेड को प्रिंट करने के लिए यहाँ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू, और अगले प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो वेरिएबल प्रिंट करना है तो पहले जेड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि इसका टाइप क्या है। तो ये वाला प्रोग्राम हमें क्या प्रिंट करेगा ये हम लोग अभी देखते हैं। इसको मैं यहां से रन कर रहा, रन करने से ये क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 5, है ना। मैं क्या चाहता हूं कि ये भाई एक काम करने के लिए दो दो प्रिंट एफ क्यों लिखना पड़ रहा है, व्हाई कैंट वी राइट एवरीथिंग इन अ सिंगल। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ। अभी देखो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमें दो पार्ट तो चाहिए ही था, तो यहां तो जेड होना ही है, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर तो होना ही चाहिए था, ये बात तो ओके है कि यहाँ हमें परसेंटेज डी तो रखना ही है, इसके बिना तो प्रिंट होगा नहीं। कहने का मतलब है इसके पहले ये जो फॉर्म जहां पे भी आपको टेक्स्ट में जेड प्रिंट करना है वहां आप लिख दो वैल्यू ऑफ जेड इज, ऐसा अगर लिख दिया तो देखो होगा क्या, अभी कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इस स्ट्रिंग को पढ़ेगा और पहले क्या करेगा वैल्यू ऑफ जेड इज को प्रिंट करेगा, और जब भी उसको परसेंटेज डी मिलेगा वो ढूंढेगा कि वेरिएबल है क्या कॉमा के बाद, तो जो पहला वेरिएबल मिलेगा उसको इसके बदले प्रिंट कर देगा। ये बहुत जरूरी बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी आसान लगेगा, जो नए हैं उनको मैं बोल रहा हूँ भी आसान लगेगा, लेकिन पॉसिबल है कि आने वाले जो कुछ और इसमें प्रॉब्लम्स अभी मैं डिस्कस करूंगा वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अभी इसको पहले प्रिंट करके देखता हूँ, सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और देखते हैं कि ये क्या प्रिंट देता है। हमें दिया ना, क्या लिखा ध्यान से देखो, अभी मैं इसको चेंज भी करूंगा, वैल्यू ऑफ जेड इज 5 लिखा ना। अभी मैं क्या चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं लिखूं, मैं लिखूं वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 5 और इसके बाद ही मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है। ओके, तो अगर अभी देखो पहले मैं दो वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर होगा। मैं x और z लिया और x की वैल्यू में ले रहा x इक्वल टू 6। अब दो वैल्यू को एक साथ कैसे प्रिंट करेंगे, तो अगर मैं यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ z इज दिस एंड वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज d, तो जेड दूंगा और कॉमा एक्स दूंगा। अभी देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है प्रिंट करने का। अभी मुझे क्या प्रिंट करना था, दो वेरिएबल प्रिंट करना था। दो वेरिएबल प्रिंट करने के लिए पहले तो प्रिंट का दो हिस्सा होता है, एक हिस्से में ये सब टेक्स्ट लिखते हैं और एक हिस्से में वेरिएबल डालते हैं। तो पहले तो जैसे जैसे जिस सिक्वेंस में मुझे वेरिएबल प्रिंट करना है वो सिक्वेंस में लिखूंगा। ये सिक्वेंस डिसाइड कैसे होगा, इस वाले टेक्स्ट के हिसाब से। मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ जेड इज परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी। तो होगा क्या, कंप्यूटर क्या करेगा, देखेगा कि वैल्यू ऑफ जेड इज परसेंटेज डी, तो उसको जब पहला परसेंटेज डी मिलेगा तो वो यहां से जंप करेगा और देखेगा कि कॉमा के बाद पहला वेरिएबल कौन है, इसका वैल्यू प्रिंट कर देगा और फिर आगे बढ़ेगा, प्रिंट कर देगा और फिर आगे बढ़ेगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी, फिर देखेगा कि अब अगला इसके बाद कोई वेरिएबल है क्या, तो फिर जंप करके देखेगा कि एक नया वेरिएबल उसको मिलेगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। पहले हम प्रिंट करके देखते हैं, फिर देखेंगे कि इस सीक्वेंस की क्या
से क्या डिफर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, लिख रहा है वैल्यू ऑफ जेड इज 5, यानी परसेंटेज डी के बदले क्या आ गया, जेड की वैल्यू आ गई। एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज 6, वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी के बदले फिर से एक्स की वैल्यू आ गई। मैं क्या करता हूं, इसको उलट के देखते हैं कि इससे कुछ चेंज हो रहा है क्या, उलट के देखते हैं। एक्चुअली हमारे पास वैल्यू है ये और हमने अब इसको उलट दिया, उलट दिया तो देखो क्या कर रहा है। कंप्यूटर को इतना दिमाग नहीं है, हमारा जेड का वैल्यू क्या है 5 है, ये क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ जेड इज 6 एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ फॉर्मेट बोल रहा है कि परसेंटेज डी जब पहला मिलेगा, जब ही ये फॉर्मेट मिलेगा तो वो पहला जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू उठा लेगा, जब दूसरी बार मिलेगा तो दूसरा जो वैल्यू रहेगा उसको उठा लेगा, वो जेड और एक्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो सर, आपने ऊपर मेंशन कर रखा है ना जेड 5 है एक्स 6 है, तो कंप्यूटर को क्यों समझ नहीं आ रहा कि जेड 6 है जेड, क्योंकि वो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये तो टेक्स्ट को वो एज ए टेक्स्ट, ये तो मैसेज की तरह डबल कोट में जब भी कोई चीज लिख दिया तो उसको एज ए वेरिएबल तो ट्रीट नहीं करता है, उसको तो एज ए मैसेज ट्रीट करता है। यहाँ तुम एक्स के जेड के बदले लिख दो वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट करेगा। देखो दिखाता हूं, यही बात समझना है। देखो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज 6, है ना। तो इस अंदर में क्या वेरिएबल का नाम है इसको कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता है, इसी के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अंदर यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ, फिर से जेड कर दे रहा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं तब शायद समझ में आए। मैं क्या करता हूं ना कि टाइप चेंज कर देता हूं दोनों का, इसको कर देता हूं फ्लोट, जेड को कर देता हूं फ्लोट और जेड में रख देता हूं 5.5, ठीक है। तो ऐसा रख दिया, अभी क्या करना, देखो वैल्यू ऑफ जेड इज, पहले तो इसको ठीक कर देता हूं, मेरे कहने का मतलब है ये सही तरीका है, राइट वे। वैल्यू ऑफ जेड इज, जेड की वैल्यू प्रिंट करनी है, ध्यान दीजिए जेड की वैल्यू प्रिंट करनी है इस इज और एंड के बीच में, तो इज और एंड के बीच में जो फाइनल टेक्स्ट हमारा होगा, यहाँ एरर आ सकता है आगे देखेंगे, इज और एंड के बीच में हमें एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो जेड की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें जेड का जो, पहले तो कॉमा के बाद पहले जेड को लिखना होगा, फिर हमें जेड का टाइप बताना होगा। यहाँ जेड का टाइप क्या है, फ्लोट है, फ्लोट है तो मुझे यहाँ पे एफ डालना पड़ेगा। फिर वैल्यू ऑफ एक्स इज के बाद हमें एक्स की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो पहले तो पहली वेरिएबल के बाद दूसरा वेरिएबल मुझे एक्स रखना है और फिर एक्स का जो भी टाइप है, एक्स इज इंटीजर तो यहाँ परसेंटेज डी रखना है। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं एक बारी कि ये क्या आ रहा है। सो देखो क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ जेड इज 5. अभी किसी ने, किसी के दिमाग में भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर मैं यहाँ पे एफ ना देके अगर गलती कर दिया, मैंने डी ही दे दिया तो क्या होगा। तो एक्चुअली जेड क्या है, जेड इज ए फ्लोटिंग टाइप, मतलब इंटीरियर नंबर है, लेकिन मैं बोल कह रहा हूँ कंप्यूटर को कि ये इंटीजर टाइप है, तो क्या करेगा, देखो गलत प्रिंट कर देगा, वो उसको गलत प्रिंट करेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू सही प्रिंट हो रही है, ठीक है। हाँ अभी पूछिए, आपके पूछने से ये टॉपिक क्लियर होगा। सर अगर एंड की जगह अपन स्लैश एन लिख दे तो, एंड की जगह यहाँ पे, हाँ तो वो नई लाइन में चला जाएगा, तो ये नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ये नई लाइन में चला जाएगा। वैल्यू ऑफ जेड इज के बाद परसेंटेज एफ है, तो परसेंटेज एफ जब भी पहला परसेंटेज एफ मिलेगा तो वो पहला वेरिएबल को खोजेगा, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को यहाँ पे डाल देगा। फिर अगला क्या मिला, स्लैश एन मिला, तो स्लैश एन का काम है अगले लाइन में डालना, तो अगले लाइन में चला गया। फिर ये एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक, इसको प्रिंट कर दिया। हाँ पूछो सर, अपन ने परसेंटेज डी डाल दिया था परसेंटेज एफ की जगह, तो प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि अपन ने गलत चीज टाइप किया। नहीं नहीं, रन तो होगा,
लेकिन आउटपुट गलत दे देगा। तो सर रन किस केस में रुकता है, मतलब जहाँ पे अपना रन होना बंद हो जाता है, जहाँ पे अपना राइट राइट सिंटैक्स एरर है। जैसे कि मान लो इंट में मैं एन लिखना छोड़ दिया, ठीक ना, तो अभी देखो रेड मार्कर लगा दिया सिंटैक्स। अभी ये सब चीजें हमने डिस्कस नहीं की है, मैं एरर को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखते कैसे हैं। अगर ऐसा कोई दिक्कत कर दिया ना, जो जैसे लिखना है वैसा नहीं लिखा, अब लिखने में कोई दूसरी चीज उसके बदले, मान लो तुम इंट के बदले यहाँ फ्लोट लिख लिए, यहाँ तुमने फ्लोट डाल दिया, ठीक है, और यहाँ तुम एक्स को एज ए इंटीजर ट्रीट कर रहे हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम फ्लोट में कोई कीवर्ड छोड़ दोगे तो वो एक इशू हो जाएगा, इसको गलत ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपके क्वेश्चन का हो सकता है। और कोई क्वेश्चन पूछो, ये वाला लाइन में पूछो, इसमें क्या दिक्कत है, ये पहले क्यों लिख रहे हैं, बाद में क्यों लिख रहे हैं। सर हाँ पूछो। सर सर अगर अपन int लिख दो और नंबर float दे दो, तो मतलब जैसे जो आपने float z लिखा है उसकी जगह अपन int z लिख दे और z की वैल्यू 5.5 दे दे। हाँ, जैसे x में मैं क्या करता हूँ ना, x के बदले मैं लिख देता हूँ 6.6, ठीक। हाँ अभी अभी इसको करके देखते हैं, कट कर देगा उसको, लेगा ही नहीं, इसलिए नहीं लेगा, ध्यान दो, क्योंकि तो float कितने बाइट का है, बड़ा वाला बॉक्स है, int छोटा बॉक्स होता है उससे, है ना। बट सर अपन ने बढ़ा के अपने इसमें तो 4 byte की है ना, int और float दोनों ही। हाँ लेकिन byte allocation कर दिया, लेकिन जो compiler treatment है ना, वो treatment rule हमारा पुराना ही है, rules जो syntactical treatment rule है वो नहीं change हुआ। इसलिए आप बस ये convention याद रखो कि अगर कभी भी आप integer define करते हो और उसमें अगर आप float value डाल दोगे तो वो उसको कट कर देगा। देखो बच्चे, आपको अभी एक दो वीक के बाद समझ में आएगी। इंट को बड़ा साइज इसलिए किया गया क्योंकि ज्यादा से बड़ा इंटीजर रख सके। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी एक्स इंटीजर है ना, मैं इसमें 6 रखा था तो प्रिंट हो रहा था, अभी देखो मैं एक बहुत बड़ा नंबर दे डालता हूँ, ठीक है, ये नंबर प्रिंट हो, ये इंटीजर है ना। यस सर, इंटीजर है। देखते हैं ये प्रिंट है सर, देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। हुआ क्या, देखो तो सही वैल्यू प्रिंट हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका आधा मतलब आपको समझ में आएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्लास में, और प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि वहां हार्डवेयर की बात बताई जाएगी, हार्डवेयर ऐसे चलता है, हार्डवेयर इतना बड़ा होता है, हार्डवेयर इतना छोटा होता है, तो हार्डवेयर से क्या इशू आता है। यहाँ मैं आपको सॉफ्टवेयर, और ये सब कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं अगर अभी आपको समझाने गया तो कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा छोड़ दे रहा कि थोड़ा सा हार्डवेयर पार्ट आप लोग पढ़ लो, फिर जाके मैं पीछे आऊंगा और इस सब चीज को क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी आप ये समझो कि ऐसा करना है हमें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक महीने में आप लोग छोटा छोटा प्रोग्राम लिखना खुद से स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये तो अभी जो मैं प्रोग्राम बताता हूँ, दिस इज नॉट अ वर्थफुल प्रोग्राम। जब हम लोग प्राइम नंबर लिखने लगेंगे, कोई मैथमेटिकल जितने ऑपरेशन है, मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरियंस कैलकुलेट करना, ये सब प्रोग्राम्स है, प्राइम नंबर निकालना, पैलिंड्रोम निकालना, ये सब मेन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स है, क्लासिकल प्रोग्राम जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन?